जुगनू हूँ और मैं हवा पे चलता हूँ। वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह, ये तो स्वादिष्ट ब्रेड की खुशबू आ रही है। आखिर वो क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो जन्नत की खुशबू है। Hey, मैं एक बाइट तो लूंगा ही। टेस्ट तो मस्त है, इसका फ्लेवर तो बिल्कुल ही अनोखा है। वैसे पता है, ये तो बस मेरा है, सिर्फ मेरा। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, ये पूरी ब्रेड सिर्फ मेरी है, हर एक टुकड़ा। स्वादिष्ट है। वाकई स्वादिष्ट है। वो चीज मेरी है, ठीक है? तो यहाँ देखो, तुम क्या करना चाह रहे हो? क्या कहा? मैं यहाँ पहले आया था, ये मेरा है, तुम कुछ और जाकर ढूंढ लो। तुम तो क्या तुम किसी तरह की मछली हो? तो तुम सच में एक मछली ही हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? पर तुम एक मछली कैसे हो सकते हो? मछली तो पानी में ही रहती है ना? मैं बिल्कुल नहीं मानता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि तुम मेरी ब्रेड चुरा सको। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो बताओ तुम हो क्या आखिर? शायद तुम्हें दोबारा चेक करना चाहिए, हम एक अलग प्रकार की मछली हैं। जमीन पर हमें स्वादिष्ट खाना मिलता है, इसे मैंने पहले ढूंढा, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। एक अच्छे जुगनू की तरह बर्ताव करो और किसी और को जाकर परेशान करो, मैं इसे ले जा रहा हूँ। रुको वहाँ पर। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, तो बस हार मान लो। मैं क्यों हार मानू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरा, ये मेरा है। तुम छोड़ो, ये सिर्फ मेरा है। ला 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 ला। छोड़ दो इसे, ला 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 ला। सिर्फ मेरा, ये मेरा है। ये तो स्ट्रॉबेरी की आवाज है ना? मेरा है, नहीं स्ट्रॉबेरी। लगता है तुम परेशानी में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? Hey, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये है परेशानी, ये चोर मेरा खाना चुरा रहा है। बकवास, तुम मेरा खाना चुरा रहे हो। ये सिर्फ मेरा है। ये मेरा है, तो साबित करो ना। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो ये मेरा है। नहीं कर सकता, ये मेरा है। तुम आखिर कर क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ठीक है फिर दोस्तों, सब कुछ आसान हो जाएगा अगर तुम इसे बांट लो। बांटना? ये उतना बुरा नहीं है जितना शायद मैं सोच रहा था। ये मेरा है, 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 मेरा है, मेरा है। तुम्हारी वजह से मुझे सिर्फ आधा मिला है, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉबेरी। सुनो, मैं फ्लट अब आई हूँ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस मार्श में पहले कभी नहीं देखा। हेलो हेलो फ्लटर बाय, फ्लटर बाय, मैं हूँ मार्श कीपर। मार्श कीपर? कितना अनोखा नाम है, तो तुम एक मछली हो ना? सही कहा ना? तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही। और अगर तुम्हारा अगला सवाल है कि मैं जमीन पर कैसे चलता हूँ, मेरे पास बहुत ही अनोखे गिल्स हैं। ये बिना पानी वाले एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तभी मैं मिट्टी में रहता हूँ, जमीन और पानी दोनों में मेरा घर है। कमाल है ना, मैं बहुत लकी हूँ। वाओ, ये
बहुत मजेदार है, कुछ और भी मजेदार चीजें हैं, देखो। ये देखो। वाओ, तुम कितने कूल हो और तुम हाई जंपर भी हो। तुम एक मामूली मछली तो हो ही नहीं। ये पकड़ो। हे फ्लटर बॉय, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी कमाल की चीजें दिखाता हूँ। सच? क्या दिखा रहे हो? चलो जल्दी दिखाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये देखो। बचाओ! मेरी मदद करो! किसी को मदद की जरूरत है। आवाज वहाँ से आ रही है। बचाओ! कोई आकर मुझे बचा लो! मेरी मदद करो! कोई मुझे अभी बचाओ! मुझे मदद की जरूरत है, बचाओ! कोई तो बचाओ। हेलो, कौन है? कोई तो जवाब दो। हे! आओ और मेरी मदद करो। मस्की पा, वहाँ देखो, वो स्ट्रॉबेरी है और मुसीबत में है। कहाँ है वो? वहाँ पर, जल्दी मेरे पीछे आओ। स्ट्रॉबेरी! हे फ्लटर बॉय, तुम सही समय पर आ गई। और मेरे साथ मस्की पर भी है। हाँ, कैसे हो दोस्त? ये यहाँ क्या कर रहा है? स्ट्रॉबी, वो तुम्हारी मदद के लिए आया है। लाओ तुम्हारा हाथ दो। स्ट्रॉबी! हे, तुम बुरी तरीके से चिपक गए हो। अब मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं? ऊपर सब ठीक है ना फ्लटर बॉय? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस जाले में फंस गया है, मैं उसे निकाल नहीं पाई। फ्लटर बॉय, मुझे ट्राई करने दो। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? चिंता मत करो, मैं वहाँ सब संभाल लूंगा। हे मच स्किपर, ध्यान से। ओ हाँ। हे स्टॉप, बस थोड़ी और देर, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। ठीक है। शुक्रिया तुम दोनों का। तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी मच के पास। एक बार और, एक बार और। मच की बात, तुम बहुत कमाल के हो। शुक्रिया। देखो, श्रुप ने मुझे ये शाइनी बॉल दी है। मुझे शाइनी बॉल बहुत पसंद है। ओ वाओ, तो तुम दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हो। बिल्कुल ठीक कहा, हम हैं। हाय प्यारे दोस्तों, मड्स कीपर अपने पीछे के फिन्स मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना अमेजिंग है ना ये सब? ये और अगले एपिसोड में कोस्मो दोस्ती करेगा मिस्टर गेको से। ये वो ये जानकर चौंक जाता है कि मिस्टर गेको कभी सोता ही नहीं है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।